हेलो एस्पिरेंट्स, सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टेक द टॉपिक ऑफ छत्तीसगढ़ अंडर मराठा। इन अर्लियर क्लासेस हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हमने पूरे एंशियंट हिस्ट्री में देख लिया सारे जो डायनेस्टीज रूलिंग इन इंडिया एंड रूलिंग इन छत्तीसगढ़। आफ्टर दैट वी हैव सीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी दैट हैज़ रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन छत्तीसगढ़, दैट इज कलचुरी डायनेस्टी। नाउ अब कलचुरी डायनेस्टी खत्म हो गया था लास्ट क्लास में हमारा, और इसके बाद हम लोगों का स्टार्ट होगा अब क्या, छत्तीसगढ़ अंडर मराठा रूल। जो मराठास थे इन्होंने भी रूल किया था किसके बाद, द लास्ट रूलर जो थे रघुनाथ सिंह को हराने के बाद ये कहाँ आ गए थे, आपके रतनपुर में आ गए थे। और रतनपुर में आने के बाद इनका फर्स्ट रूल स्टार्ट होता है 1741 से। ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। कौन आए थे, भास्कर पंत आए थे, भास्कर पंत अटैक्ड रघुनाथ सिंह। सो लेट्स स्टार्ट द मराठास। द फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए, मराठा जो थे मराठास को किसने एस्टेब्लिश किया, तो मराठास वर एस्टेब्लिश बाय छत्रपति शिवाजी जी जो थे उनके उन्होंने मराठास जो है उनको पूरा का पूरा जो मराठा डायनेस्टी थी उसको एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अब मराठा जो है हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें आप देख सकते हैं कि हम तीन हिस्सों में देखते हैं इसको। पूना में मराठास थे, द हेड ऑफ द मराठास वर सिटिंग एट द पूना, ठीक है, जिसको हम बोलते थे पेशवा, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज द मराठास ऑफ इंदौर वर कॉल्ड एज होलकर्स, ठीक है। मराठास ऑफ इंदौर वर कॉल्ड एज होलकर। और जो लास्ट हमको देखना है दैट आर द मराठास ऑफ नागपुर, जिसके अंडर छत्तीसगढ़ का पूरा हम पढ़ेंगे, वो है भोंसले। द भोंसले मराठास आर द वन जिसके अंडर हम लोगों को देखेंगे पूरा छत्तीसगढ़ रहेगा। तो ये जो थे आपके इंडिया में थे एंड देवर द हेड, यहाँ पे जो थे आपके पेशवाज बैठते थे, जो छत्रपति शिवाजी हो गए, बिंबाजी भोसले हो गए, ये सारे लोग यहाँ बैठा करते थे। इंदौर में होलकर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, और नागपुर में भोसले हुआ करते थे। जो भोसलेस थे इन्हीं के जो किंग थे वो जो रूल करते हैं कहाँ, छत्तीसगढ़ में। तो जो भास्कर पंत थे वो भोसले के ही कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि स्टोरी एज अ स्टोरी लाइन हम लोग एक देखते हैं कि हाउ द मराठास एंड वाई द मराठास, हाउ एंड वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ एंड वाई, क्यों आए छत्तीसगढ़ में, क्यों आए और कैसे आए, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग लेट्स स्टार्ट यहाँ पे नागपुर, ठीक है, नागपुर आप लिख सकते हैं। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन पर्टिकुलर टाइम इज रतनपुर, दिस वॉज द कैपिटल ऑफ कलचुरी एट द टाइम वेन मराठास एंटर्ड, एंड देर वॉज ऑल्सो अ स्प्लिट इन कलचुरी by which a Raipur branch or Lahori branch of Kalchuri we have studied has been made, and the last king of Lahori branch or of Kalchuri was Amar Singh, ठीक है। एंड यहाँ पे एक नया entrant है that is Bengal province। अब होता क्या, देखिए story कैसे चलती है यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। Story कैसे चलती है, let's see, let me change the color of pen first, ठीक है। चलिए हाँ, नागपुर में उस पर्टिकुलर टाइम में 1747 में द रूलर वॉज रघुजी। देखिए अब मैं रघुजी बोलूँ, बिंबाजी बोलूँ, कोई भी जी बोलूँ, उन सब में आप भोसले लगा लीजिएगा पहले से, ठीक है। अब वो क्या बड़ा होगा करके मैं भोसले भोसले नहीं लिखूंगा, एवरीबडी इज भोसले जो भी मराठा से रिलेटेड है, और जो नहीं होंगे जैसे भास्कर पंत है वो मैं बता दूंगा कि कमांडर है, ठीक है। जहां भी जी लगा है वो भोसले होंगे, ठीक है। तो रघुजी वन वॉज द लीडर और द किंग ऑफ द नागपुर ब्रांच ऑफ मराठास, एंड ही वॉज हैविंग अ एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी। वो अपने एक्सपांशन करना चाहते थे बंगाल की ओर, टूअर्ड द ईस्ट, ईस्टर्न साइड, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र है या आप नागपुर के ईस्ट में देखेंगे तो आपको कौन सी जगह दिखेगी, आपको बंगाल प्रोविंस दिखेगा, बंगाल प्रोविंस। तो ही वॉज हैविंग अ एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी। आज की क्लास आप कहीं पूरी अच्छे से समझ लेंगे तो आपको 110% मराठा रूल पूरा समझ आ जाएगा। इतना अच्छे से किसी बुक में दिया नहीं है, सब बुक में अलग अलग पढ़ना होता है, फिर कंसोलिडेट नहीं होता है, ठीक है। तो 1741 में रघुजी वॉज द किंग ऑफ नागपुर, एंड ही वॉज हैविंग द एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी टूअर्ड्स द ईस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया, टूअर्ड द ईस्ट ऑफ नागपुर, ईस्टर्न एरिया, टूअर्ड्स हिज ईस्टर्न एरिया। तो वॉट वॉज द ईस्टर्न एरिया एट दैट टाइम, एट दैट टाइम बंगाल प्रोविंस वॉज द ईस्टर्न एरिया इन विच द किंग वॉज अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान वॉज द किंग, द रूलर ऑफ द बंगाल प्रोविंस, एंड द प्लेसेज, करेंट प्लेसेज विच आर अंडर बंगाल प्रोविंस आर, आप बोल सकते हैं जो 1905 के पहले का बंगाल था, दैट इज बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, ये तीनों के तीनों बंगाल प्रोविंस के अंडर आते थे, ठीक है। तो अब होता क्या है, जो आपके रघुजी हैं वो अटैक करना चाहते हैं कहाँ, बंगाल प्रोविंस में। अब बंगाल प्रोविंस में उस टाइम कौन रहते हैं, अलीवर्दी खान रहते हैं, और उड़ीसा में, बंगाल प्रोविंस में उस टाइम उड़ीसा जो जगह है, उड़ीसा के जगह में मीर हबीब वॉज द कमांडर,
ऑफ अलीवर्दी खान, ठीक है, अलीवर्दी खान के कमांडर होते मीर हबीब, एंड मीर हबीब जो थे, मीर हबीब वॉज एंटी ऑफ अलीवर्दी खान, वो थे जरूर इनके अंडर बट ही वॉज एंटी ऑफ अलीवर्दी खान. तो ही वॉन्टेड दैट कि अलीवर्दी खान को खत्म किया जाए एंड ही वॉन्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली, ठीक है. तो ही द मीर हबीब ज्वाइन हैंड विथ रघुजी, यही मीर हबीबी आके रघुजी को बोलते हैं कि अलीवर्दी खान को हरा के आप यहां रूल कीजिए और मैं इंडिपेंडेंटली उसके अंदर रूल करूंगा. तो ही ज्वाइंट हैंड्स विथ रघुजी, ठीक है. तो अब रघुजी को यहां पे एक्सपांशन करने का एक पूरा एक ब्लूप्रिंट मिल चुका था. अब क्या होता है देखिए, जो अली जी हैं वो ईस्टर्न में अटैक करना चाहते थे, ईस्टर्न एरिया दैट इज बंगाल. देखिए कनेक्शन दिख रहा है ना, बंगाल प्रोविंस अटैक के लिए किसको भेजते हैं ये. अब अटैक के लिए इनका प्लानिंग हो गया, यहां से बात हो गई किससे, मीर हबीब से, उड़ीसा के जो वो थे. अब ये मीर हबीब से बात होने के बाद बंगाल प्रोविंस में अटैक करने के लिए भेजते किसको है, भास्कर पंत को. एट दैट टाइम द कमांडर ऑफ रघुजी वॉज भास्कर पंत, यही भास्कर पंत अभी छत्तीसगढ़ आएंगे. देखिए आप कमांडर को भेजते हैं, दैट वॉज भास्कर पंत. द फुल नेम ऑफ भास्कर पंत आपको पता होना चाहिए, फुल नेम ऑफ भास्कर पंत क्या है, भास्कर राव कोलाटकर. भास्कर देख लीजिए, भास्कर राव कोलाटकर, ठीक है. तो अब देखिए अब क्या होता है, भास्कर पंत जो होते हैं, भास्कर पंत को अब जाना कहाँ है, बंगाल प्रोविंस. तो अब बंगाल प्रोविंस जाने के लिए उनको छत्तीसगढ़ क्रॉस करके जाना ही जाना था. अब इस पर्टिकुलर टाइम में द लूटेड छत्तीसगढ़, उनको पैसे की जरूरत थी भाई, कोई अटैक है, कोई वॉर आपको करना है तो यू नीड सम मनी. तो अब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे रघुजी जो है, रघुजी आते कहाँ हैं, छत्तीसगढ़. अब रघुजी जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो उस टाइम पे छत्तीसगढ़ में रतनपुर ब्रांच के जो किंग रहते हैं कलचुरी के, वो रहते हैं रतन, सॉरी जब रघु ये भास्कर पंत आते हैं तो यहाँ पे किंग रहते हैं रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह, ठीक है. अब ये होता क्या है, 1741 में कौन आता है, भास्कर पंत अटैक करने आते हैं कहाँ, जाने वाले होते हैं कहाँ, बंगाल की ओर. अब बीच में पड़ता है छत्तीसगढ़, ही वॉन्टेड टू लूट द छत्तीसगढ़. तो यहाँ 1741 में रघुनाथ सिंह जी के जो सन होते हैं, द सन ऑफ रघुनाथ सिंह जी डाइड. तो इसकी वजह से रघुनाथ सिंह वॉज नॉट मेंटली फिट टू फॉर द वॉर. तो जब 1741 में जो कि भास्कर पंत हैं वो अटैक करते हैं, कहाँ, अटैक्ड बाय भास्कर पंत, ठीक है, भास्कर पंत अटैक्ड द रतनपुर जो कि रघुनाथ सिंह जी को. तो इस पर्टिकुलर टाइम में जैसे ही वो अटैक करते हैं तो रघुजी डिडंट फाइट, ठीक है, देयर वाज नॉट अ फाइट बिटवीन मराठा एंड द रतनपुर कलचुरी ब्रांच, ठीक है. तो इधे यहाँ पे क्या करते हैं, रघुनाथ सिंह सरेंडर्ड, रघुनाथ सिंह सीधा सरेंडर कर देते हैं क्योंकि वो फिट ही नहीं थे उस टाइम, उनके सन डाइड, हिज सन हैज डाइड, सो ही वॉज नॉट फिट फॉर फाइट. उनके पास अभी उतना मनोबल नहीं था कि वो मेंटली ही वॉज नॉट फिट कि वो अभी फाइट कर सके. तो ही सरेंडर, रघुनाथ सिंह सरेंडर्ड व्हेन भास्कर पंत अटैक्ड. सो यू कैन से देयर वॉज नो फाइट बिटवीन मराठा एंड द रायपुर रतनपुर ब्रांच ऑफ कलचुरीज, ठीक है. इसके बाद फॉर सम टाइम रतनपुर कलचुरी रूल्ड अंडर मराठा. ये क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे ये कल्याणगिरी गोसाई को छोड़ के चले जाते हैं एज द भोसले रिप्रेजेंटेटिव एंड द रतनपुर कलचुरी रूल्ड अंडर द मराठाज एंड विद द हेल्प ऑफ कल्याण सिंह गोसाई. तो आप लिख सकते हैं फॉर सम टाइम रतनपुर कलचुरी रूल्ड अंडर मराठा, ठीक है. अब ये मराठा के अंदर रूल करते हैं, कब करते हैं, 1741 में, ठीक है, 1741 में. अब यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि अब जब भास्कर पंत यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से कहाँ आगे अटैक करने के लिए, तो ये अब इनके दरबार में, किसके दरबार में, रघुनाथ सिंह जी के दरबार में, कलचुरी रतनपुर के किंग के दरबार में एक भोसले रिप्रेजेंटेटिव को छोड़ के जाते हैं. उनका नाम होता है कल्याण गिरी गोसाई. तो कल्याण गिरी गोसाई वॉज द भोसले रिप्रेजेंटेटिव अब भोसले रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है, जो भास्कर पंत होते हैं इन्होंने इनको छोड़ा था और क्या बोला था यहाँ कि 1,00,000 टकोली, 1,00,000
टकोली, मैंने बताया ना आपको द बेसिक रीजन फॉर अटैक इन छत्तीसगढ़ वॉज द मॉनेटरी रीजन। तो 1,00,000 टकोली किसको देना होगा, रतनपुर कलचुरी को देना होगा, किसको, मराठाज ऑफ नागपुर भोसले को, ठीक है। सो अब आगे स्टोरी बढ़ती है, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखिए, अब ये आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से इनको हरा के, और यहाँ पे क्या होता है, मीर हबीब जो है, रघुजी जो थे भोसले, रघुजी भोसले से हाथ मिला लेते हैं किस चीज के लिए, अलीवर्दी खान को खत्म करने के लिए। तो अब यहाँ पे 1741 में यहाँ से जब छत्तीसगढ़ को जीतने के बाद ये चाहते हैं कहाँ पे फाइट टू बंगाल, भास्कर पंत जाते हैं, क्योंकि भेजा तो इनको भास्कर पंत को किसने था, रघुजी को, रघुजी ने भास्कर पंत को बंगाल प्रोविंस को जीतने के लिए, तो फाइट ऑफ बंगाल होती है। अब इसमें क्या होता है, भास्कर पंत जो होते हैं उनकी लड़ाई होती है नवाब अलीवर्दी खान से, और जो भास्कर पंत हैं वो लूज कर जाते हैं, ही डाइड, भास्कर पंत डाइड इन दिस पर्टिकुलर फाइट एंड नवाब वॉन दिस फाइट। जो अलीवर्दी खान थे वो जीत जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखिए कल्याणगिरी जो गोसाई थे वो भोसले रिप्रेजेंटेटिव किसके द्वारा छोड़े गए थे, तो ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भोसले एंड सेंट बाई भास्कर पंत। अब भास्कर पंत ही डाई कर गए हैं, तो अब इनको क्या समझ आता है, किसको, रघुनाथ सिंह ऑफ रतनपुर कलचुरी, की ड्यू टू द डेथ न्यूज ऑफ भास्कर पंत हिज दरबारी वॉज सेंट। जो कल्याणगिरी गोसाई थे उनके और रघुनाथ सिंह जी के बीच में वैसे ही टसल हो रहे थे कुछ कुछ चीजों के लिए, तो रघुनाथ सिंह जी उनको वापस भेज देते हैं, कहाँ वापस भेज देते हैं, नागपुर, जाइए भाई आपका काम खत्म कल्याणगिरी गोसाई, एंड ही सेंट बैक कल्याणगिरी गोसाई। अब होता क्या है देखिए, और ये 1745 तक फिर क्या होता है, इंडिपेंडेंटली फिर रूल करते हैं, बट रूल, तो आप बोल सकते हैं कि 1741 से 1745 तक फिर से रघुनाथ सिंह जो है वो इंडिपेंडेंटली रूल करते हैं। अब इसके बाद आगे स्टोरी बढ़ेगी तब मैं आपको बताऊंगा, यहां तक कि आपको स्टोरी समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से, अगर नहीं आएगी तो कमेंट आप कर सकते हैं। दिस वॉज द बेसिस ऑफ मराठास, वाई द मराठास एंटर्ड छत्तीसगढ़, ठीक है। अब इसके बाद और आगे बढ़ेगा, फिर 75 के बाद फिर मराठा आके यहाँ अटैक करेंगे, क्यों, क्योंकि इनको पता था, देखिए दे वर नोइंग कि भास्कर पंत जो रघुजी थे, रघुजी ने जीत लिया है छत्तीसगढ़, अब भाई जीत लिया है तो हम ही रूल करेंगे, मराठा का ये था भैया, एक बार हम जीत लिए हैं तो जीत लिए हम करके, ठीक है। क्योंकि अभी तो यहाँ पे रघुनाथ सिंह ने कोई हराया थोड़ी ना था अभी किसी को, बस इन्होंने भगा दिया था भोसले रिप्रेजेंटेटिव को। तो आगे ये स्टोरी बाद में बढ़ेगी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नागपुर मराठा एंड दे आर रिप्रेजेंटेटिव इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, दे आर रिप्रेजेंटेटिव, फिर एक स्टोरी यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगी। देखिए आज की जो क्लास है ये मराठा का बेसिस है, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, इस क्लास को समझ लेंगे तो सारे मराठा की चीज़ें, क्वेश्चन जो आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बस थोड़े से फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे इसके बाद, ठीक है आपको। तो अब हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे, 1741 में मराठा के कौन थे रूलर, रघुजी वन, एंड ही डाइड 1755 में। 1755 में कौन डेथ, किसकी डेथ हो जाती है, तो रघुजी जो थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में भास्कर पंत को भेज के अटैक करवाया था वो जो है वो खत्म हो जाते हैं, ही डाइड। तो ही वॉज हैविंग टू वाइफ्स, आपको पता होना चाहिए, ही वॉज हैविंग टू वाइफ्स, ठीक है, वाइफ नंबर वन एंड हियर कम्स द वाइफ नंबर टू। दो वाइफ थी इनकी, दो वाइफ से चार बच्चे थे इनके, ठीक है, आपको समझना है अभी। फोर, ये यहाँ से आप ऐसे कर लीजिए और ये यहाँ से, ठीक। तो द फर्स्ट, द एल्डेस्ट सन ऑफ रघुजी वॉज फ्रॉम द वाइफ टू, दैट वॉज जानको जी, सबसे एल्डेस्ट सन थे जानको, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, कौन थे, जानको जी, ठीक है, एंड द यंगेस्ट वॉज बिंबा जी, आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए, क्लिक लीजिए, यंगेस्ट एल्डेस्ट, ही वॉज द एल्डेस्ट एंड ही वॉज द यंगेस्ट, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट वन साबा जी एंड द वन मुधो जी, ये चार, माधव जी भी बोलते हैं इनको, मुधो जी, ये चार इनके जो सन थे, इन चारों सन से अब देखिए कहाँ कहाँ इनको रूल, देखिए रघुनाथ सिंह जी की टसल ना हो चारों बेटों के बीच में, इसलिए इन्होंने अपने रहते ही चारों बेटों को अपने अलग अलग प्लेसेस दे दिए थे। अब जो जानको जी थे, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ रघुनाथ, रघुजी फर्स्ट, तो एल्डेस्ट सन ऑलवेज गेट द थ्रोन,
तो नागपुर जहां पे भोसले रूल करते थे, तो नागपुर वॉज गिवन टू जानको जी. ठीक. सबाजी गेट द एरिया ऑफ बिरार. मुधो जी गेट द एरिया ऑफ चांदा. ठीक है. एंड बिंबाजी गेट द एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. ये जो थे छत्तीसगढ़ इनको मिलता है. तब ये सबसे यंगेस्ट सन जो थे बिंबाजी, इन्हीं को मिलता है. कब से कब रूल करते हैं? 1758 से 87 तक ये रूल करते हैं. ठीक है. यहाँ पे अब इन चीजों को आप लोग समझ चुके हैं. तो अब यहाँ देखिए, जानको जी का कोई नो हायर, ही वॉज हैविंग द नो हायर. इनके कोई भी आगे वो नहीं थे. क्या नहीं थे? कोई बच्चा नहीं था. वैसे ही सिमिलर बिंबा जी का भी कोई बच्चा नहीं था. नो सन. ठीक है. कोई आगे आने वाला इनकी पीढ़ी नहीं थी. तो अब यहाँ पे हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंटली पढ़ना है मुधो जी को, या फिर आप बोल सकते हैं माधव जी को. माधव जी द रूलर ऑफ चांदा एरिया हैज हैविंग थ्री सन्स. ठीक है. थ्री सन्स, ही वर हैविंग द थ्री सन्स. दैट इज, फर्स्ट वन वॉज रघु जी, सेकेंड द नेक्स्ट इज चिमन जी भोसले. सभी भोसले हैं, सब सबके पीछे भोसले लगा लीजिएगा आप. ठीक है. माधव जी भोसले, बिंबा जी भोसले, जानको जी भोसले, सभा जी भोसले, वेनका जी. ठीक है. वेनका जी, ये तीन इनके बेटे होते हैं. अब वेंका जी जो होते हैं ये पर्टिकुलरली आपको समझना होगा कि रघु जी, जानको जी जो है, जानको जी जैसे ही खत्म होते हैं, व्हेन द डेथ ऑफ जानको जी होता है, डेथ ऑफ जानको जी, आफ्टर द डेथ ऑफ जानको जी, रघु जी जो थे, रघु जी द एल्डेस्ट सन ऑफ मुधो जी, इनको कौन बना देता है? किंग. इनको कौन बना देता है? किंग. जानको जी इनको किंग बना देते हैं, रघु जी. तो रघु जी के बाद जितने लोग हैं ये लोग सब नागपुर में रूल करेंगे. कौन कौन रहेगा इसके बाद? परसो जी ही विल रूल फ्रॉम नागपुर. ठीक है. आफ्टर दैट रघु जी, जस्ट अ मिनट, क्या रघु जी थर्ड. तो रघु जी सेकेंड, रघु जी फर्स्ट, परसो जी, दे ऑल रूल्ड फ्रॉम नागपुर. 1817 एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ परसो जी ही वॉज अ किड. ठीक है. ये जब परसो जी थे, जब ये खत्म होते हैं ना 1817 में, तो आपको पता होना चाहिए रघु जी थ्री वॉज अ किड. ये छोटे थे और ही रूल्ड फ्रॉम द प्लेस नागपुर. अब यहाँ पे हम लोग को नागपुर का स्ट्रीम हमने खत्म कर दिया. अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में. मैं अलग पेन से जो ये रेड पेन से लिख रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ के किंग रहेंगे. ठीक है. अब जो होते हैं चिमन जी भोसले, बिंबा जी के पास भी कोई वो नहीं होता. कौन नहीं होता? मैंने बताया बिंबा जी जैसे जानको जी के कोई आया नहीं थे, कोई आगे आने वाली पीढ़ी नहीं थी, तो बिंबा जी की भी नहीं थी. तो बिंबा जी ने चिमन जी भोसले को गोद ले लिया. ही अडॉप्टेड हिम. तो ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ चिमन, बिंबा जी भोसले. आफ्टर दैट जब कौन खत्म होता है? बिंबा जी खत्म होते हैं 1987 में. तो वेंका जी जो होते हैं, वेंका जी 1788 से 1811 तक ही रूल्ड फ्रॉम नागपुर. ये नागपुर से रूल करते हैं अंडर द सूबेदार सिस्टम इन छत्तीसगढ़. ठीक है. अंडर द सूबेदार सिस्टम इन छत्तीसगढ़, नागपुर से रूल करते हैं अंडर द सूबेदार सिस्टम. ये आगे हम लोग पढ़ेंगे सूबेदार सिस्टम के अंडर. वेंका जी एंड द लास्ट किंग वॉज अप्पा साहब ruled from 1816 to 1818. He was the ruler of Chhattisgarh, but his main aim was to rule from rule to Nagpur. ठीक है. नागपुर में रूल करना इनका मेन था. तो हम लोगों ने देखा, देखिए जानको जी, ठीक है, रघु जी, परसो जी एंड रघुनाथ जी, ये नागपुर से रूल किए. बिंबा जी द यंगेस्ट सन ऑफ रघु जी एंड वेंका जी एंड अप्पा साहब ruled from Chhattisgarh. तो ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आया. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. अब यहाँ तक हम लोगों ने पूरा इनका स्टोरी लाइन, ट्री लाइन सब समझ लिया है. इसके बाद और हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद इनकी मदर जो हैं बिंबाजी भोसले की, उनके बारे में भी देखेंगे. बट नेक्स्ट टॉपिक में डायरेक्ट मराठा रूल में. अब हम लोग देखते हैं मराठा को हम पढ़ना कैसे चाहते हैं. ठीक है. अब मराठा रूल कैसे पढ़ेंगे हम लोग, मराठा इन छत्तीसगढ़. ठीक है. तो मराठा इन छत्तीसगढ़ हम लोग पांच स्ट्रीम में पढ़ते हैं. दैट द फर्स्ट वन इज इनडायरेक्ट मराठा एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम 1741 टू 1758. दे रूल्ड ओवर रतनपुर एंड रायपुर. एट द टाइम ऑफ रतनपुर में जब रूल करते हैं तो 1741 में रघु जी वॉज द फर्स्ट वन टू रूल फ्रॉम रतनपुर. छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किंग यही तो होते हैं ना, जो भास्कर पंत रघु जी आते हैं नागपुर भोसले के. और 1745 में मैंने बताया 1745 तक 1741 से जब इन्होंने उनके कमांडर जो उनको भगा दिया, क्या बोलते हैं, किसको भगा दिया था इन्होंने, भास्कर पंत ने गोसाई जी को, कल्याणगिरी गोसाई को रखा था, उनको इन्होंने भगा दिया.
तो 1741 से 1745 तक दे रूल्ड इंडिपेंडेंटली, रघुनाथ जी, रघुनाथ जो कलचुरी डायनेस्टी के थे। अब 1745 में इनके डेथ के बाद मोहन सिंह को भेजा जाता है, मोहन सिंह, ठीक है, तो मोहन सिंह आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपने, मैंने एक चीज नहीं बताया, ये ऊपर में, हाँ, रायपुर, रायपुर में एट दैट टाइम अमर सिंह वॉज द रूलर, अमर सिंह, और ये भी ऐसे सरेंडर कर देते हैं बिना कोई लड़ाई झगड़े के। और इनको क्या दिया जाता है, रायपुर से इनको चार जगह, तीन जगह दिया जाता है इनके लाइवलीहुड के लिए, राजिम दिया जाता है इनको, पाटन दिया जाता है इनको, और रायपुर, ये तीन जगह इनको दिया जाता है अपने देखभाल और अपने रहने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही रायपुर में द लास्ट किंग वॉज 1750 से 1758 शिवराज सिंह, ठीक है, शिवराज सिंह। फिर द सेकेंड टॉपिक वी विल स्टडी इज डायरेक्ट मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज फ्रॉम 1758 टू 1787। दिस वॉज अंडर बिंबाजी भोसले। द थर्ड वन दैट वी स्टडी इज सूबा एडमिनिस्ट्रेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मराठा रूल फ्रॉम 1788 टिल 1818। दिस रूल वॉज देयर एंड देयर वर सूबेदार, देयर वर टोटल 9 सूबेदार, बट एज पर एगेन्यू, मिस्टर एगेन्यू, देयर वर 8। उन्होंने लिखा है ऐसा कि देयर वर 8, उनके जो 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 उन्होंने लिखा है उसके हिसाब से 8 है, बट देयर आर 9। ये सूबेदार सिस्टम जब पढ़ेंगे हम लोग तब इसमें हम लोग डील करेंगे अच्छे से। देन वी विल स्टडी भोसले अंडर ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश, दैट वॉज फ्रॉम 1818 टू 1830। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश रेसिडेंट्स, दैट वर 6 in number ब्रिटिश रेसिडेंट्स। And the fifth one is री भोसले, the re-entry of भोसले rule in Chhattisgarh, री भोसले rule. That is for 24 years from 1830 to 1854. तो ये चार पांच चीजें हम लोग आगे देखने वाले हैं। देखिए पहले इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे मराठा जो करते हैं, फिर डायरेक्ट देखेंगे, इनडायरेक्ट हमने देख ही लिया इसके पहले, ठीक है। अब डायरेक्ट, सूबादार सिस्टम, भोसले और फिर री भोसले रूल। तो नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक ऑफ डायरेक्ट मराठा रूल फ्रॉम 1748 टू 1787। ये यहां से यहां रूल करते हैं, ठीक है, यहां से यहां रूल करते हैं। चलिए तो अब यहां देखिए, यहां पे रूलर ऑफ नागपुर कौन रहते हैं उस टाइम पे, सब क्वेश्चन है पूछता है। नागपुर में एट दैट टाइम राजा किंग वॉज रघुजी फर्स्ट, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उस टाइम कौन आता है, तो छत्तीसगढ़ में द किंग वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ रघुजी, दैट इज बिंबा जी भोसले फ्रॉम 1758 टू 87, ठीक है। एंड द सेकेंड वन वॉज द चिमन जी, मैंने बताया द एडॉप्टेड सन ऑफ बिंबा जी, ठीक है, द सन ऑफ मुधो जी एंड द अडॉप्टेड सन ऑफ बिंबा जी, ठीक है, ये था। अब कैपिटल कहाँ रहता है इनका, कैपिटल वॉज रतनपुर, मेन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ मराठा वॉज मराठी एंड उर्दू, ठीक है। अब हम देखते हैं बिंबा जी भोसले के बारे में, बिंबा जी भोसले। तो बिंबाजी भोसले के बारे में आप जो देखेंगे, अब यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है, द फादर ऑफ बिंबाजी भोसले वॉज रघुजी एंड ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ रघुजी, ठीक है। ऑल्सो द ब्रदर ऑफ, कौन कौन हो गए ब्रदर, तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, माधव जी, जानको जी एंड साबा जी, यहां लिख लीजिए, माधव जी, जानको जी एंड सबा जी, दीज वर द थ्री वर द ब्रदर। एंड द अडॉप्टेड सन कौन था, तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूं। अडॉप्टेड सन कौन है, चिमन जी, ठीक है, चिमन जी भोसले। नाउ लेट्स टेक द टॉपिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या देख रहे हैं हम लोग टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अच्छे से हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा बिंबा जी के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सबके बारे में। अभी आपको पता होना चाहिए, व्हेन द बिंबा जी भोसले केम फ्रॉम नागपुर टू छत्तीसगढ़ टू रूल इन छत्तीसगढ़, ही टुक विद हिम सम ऑफ द गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पर्टिकुलर, मतलब उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स को अपने साथ लेके आया, तो उनके कुछ ऑफिसर जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए आप। घोड़ो महादेव,
ही वॉज चीफ ऑफ आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, द सेकेंड यू कैन राइट नीलू पंडित, ही वॉज चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी. ठीक है, देन यू कैन नेक्स्ट राइट कृष्णाजी मोहिते, कृष्णाजी, ही वॉज लुकिंग आफ्टर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. देन यू कैन राइट कृष्णा भट्ट उपाध्याय, ही वॉज द राज पंडित. है बहुत सारे, मैं इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं बस. कृष्णा भट्ट उपाध्याय, ही वॉज राज पंडित. ठीक है, एंड द लास्ट यू कैन राइट कादर खान, ये हीरो वाले कादर खान नहीं है, कादर खान है आर्मी डिपार्टमेंट. तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिंग हेड्स को लिख सकते हैं. आफ्टर दैट ही वॉज हैविंग थ्री वाइफ्स, एंड थ्री वाइफ्स के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है. तीनों वाइफ भी इंपॉर्टेंट है, उमा बाई, रमा बाई एंड आनंदी बाई. ये हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग इनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं पूरा. तो अब देखिए, हम लोग यहाँ में इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डील करने वाला हूँ अभी. वी आर गोइंग टू सी द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जुडिशियल वर्क, द कल्चरल वर्क एंड द टैक्स सिस्टम ऑफ बिंबाजी भोसले. ठीक है, बिंबाजी भोसले का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है, तो लिख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. सेकेंड वी विल सी जुडिशियल, देन वी विल सी कल्चरल एंड द लास्ट इज टेक्स्ट, टेक्स. ठीक है, तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. वी विल सी द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अंडर रघुनाथ सिंह जी, बिंबाजी भोसले जी. तो ही कंसोलिडेटेड द रायपुर ब्रांच ऑफ रतन कलचुरी एंड द रतनपुर ब्रांच ऑफ कलचुरी. इन्होंने कंसोलिडेट कर दिया इसको, और इनको इन्होंने हेड बना दिया किसको, रतनपुर को कैपिटल बना दिया. कब, 1758 में. तो ये क्वेश्चन में आता है कि किसने किया था ये. एक तो आप बोल सकते हैं कि 1758 में रतनपुर को इन्होंने बनाया. तो इन द वन हु इंटीग्रेटेड द 18 गढ़ ऑफ छत्तीसगढ़ विद द 18 गढ़ ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज 36 गढ़, वॉज द बिंबाजी भोसले. ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट किंग टू से छत्तीसगढ़, फर्स्ट किंग टू से छत्तीसगढ़. ठीक है, ही स्टार्टेड द परगना सिस्टम, जो परगना सिस्टम है, वो परगना सिस्टम जो था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, उन्होंने वो रेवेन्यू जनरेट करने का एक सिस्टम था. किसके टाइम पे था, मराठास के टाइम पे. देवर रूलिंग इन द महाराष्ट्र विद दिस पर्टिकुलर सिस्टम, द रेवेन्यू ऑफ टैक्स सिस्टम, एंड ही इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम टू छत्तीसगढ़. ही मेड द ब्लू प्रिंट ऑफ दिस सिस्टम इन छत्तीसगढ़. ठीक है, तो स्टार्टेड आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आएगा. तो स्टार्टेड परगना सिस्टम किसने स्टार्ट किया, स्टार्टेड परगना सिस्टम इन, तो ब्लूप्रिंट इन्होंने दे दिया. ठीक है, ही वाज द आर्किटेक्ट, क्वेश्चन में पूछ देगा हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ परगना सिस्टम इन छत्तीसगढ़, तो बिंबाजी भोसले वाज द आर्किटेक्ट. बट ही वाज नॉट एबल टू स्टार्ट, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, स्टार्ट इनके टाइम पे नहीं हुआ, आपको बस ये पता होना चाहिए. ही वाज द वन टू मेक द ब्लूप्रिंट ऑफ परगना सिस्टम. ठीक है, द नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि ही डोनेटेड मदनगढ़ फोर्ट टू मोहम्मद खान तरान इन लियू ऑफ मिलिट्री सपोर्ट. ठीक है, ये क्वेश्चन है पूछा हुआ है कई बार, लियू ऑफ किस कारण दिया, तो मिलिट्री सपोर्ट के कारण दिया. किसको दिया, तो मोहम्मद तरान खान को दिया. क्या दिया था, तो मदनगढ़ फोर्ट सपोर्ट. ठीक है, नाउ जुडिशियल सिस्टम, ही मेड द कोर्ट द सीट ऑफ कोर्ट एट रतनपुर, आपको ये पता होना चाहिए बस. यहां से और कोई ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट. टैक्स सिस्टम से क्या इंपॉर्टेंट है, नो हार्श टैक्स वॉज इम्पोज ऑन छत्तीसगढ़, नो एक्सेसेस वर डन, कोई बहुत ज्यादा ओवर पावर नहीं किया जा रहा था, और द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द छत्तीसगढ़ वॉज नॉट सेंड टू नागपुर, नो नागपुर, नॉट सेंड टू नागपुर एट द टाइम ऑफ बिंबाजी भोसले. ठीक है, सो नाउ वी विल सी कल्चरल, सम ऑफ द कंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ बिंबाजी भोसले. तो बिंबाजी भोसले कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल, यू कैन से राम टेकरी टेम्पल, ऑल्सो खांडवा टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ठीक है, और मॉस्क भी इन्होंने बनवाया था. ही ऑल्सो रेनोवेटेड दूधाधारी टेम्पल, तो आखिरी वहां लिख लीजिएगा, ग्लिच आ गया था थोड़ा सा, तो वहां पे वो स्लाइड हट गई है.
ही इशूड गोल्ड लेटर. ये कल्चरल क्या, मैंने रिनोवेटेड दूधाधारी टेम्पल बताया ना, उसके बाद आप लिख लीजिएगा गोल्ड लेटर ऑन विजयदशमी. ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देख लिया. नाउ वी विल सी द रिलेशन विद जमींदार. द रिलेशन ऑफ बिंबाजी भोसले विद डिफरेंट डिफरेंट जमींदार हम लोग देखेंगे अब. ठीक है, चलिए द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज रिलेशन विथ जमींदार्स. पांच इंपॉर्टेंट जमींदारी सिस्टम जमींदार देखेंगे. तो आपको पता होना चाहिए इनके एट द टाइम ऑफ बिंबाजी भोसले देयर वर टू न्यू जमींदारी सिस्टम जमींदारी क्रिएटेड. द टू न्यू जमींदारी वॉज ऑफ राजनांदगांव एंड खुज्जी. जमींदारी क्रिएटेड एंड दीज वर राजनांदगांव एंड खुज्जी. तो आपको ये पता होना चाहिए दो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन जमींदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ. देन नेक्स्ट इज खैरागढ़. खैरागढ़ जो जो आपका जमींदारी थी, खैरागढ़ जमींदारी थी उसमें मैक्सिमम टकोली हुआ. क्या है, जो खैरागढ़ जमींदारी के जो किंग थे उस टाइम पे, द रूलर थे, वो अपोज करते हैं टकोली, मतलब टैक्स देने के लिए बिंबाजी भोसले को. तो बिंबाजी भोसले को गुस्सा आ जाता है. तो उन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया और अटैक करने के बाद ही इम्पोज्ड द मैक्सिमम टैक्स. तो बोलेंगे मैक्सिमम टकोली किसी को छत्तीसगढ़ में देनी थी किसी प्रिंसली स्टेट को, तो दैट वॉज खैरागढ़. बिकॉज ही अपोज्ड देम ना, तो इसलिए जानबूझ के इनके साथ ऐसा किया गया था. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कोरबा. द प्रिंसली स्टेट ऑफ कोरबा, द किंग ऑफ कोरबा द प्रिंसली स्टेट ऑल्सो अपोज द किंग बिंबाजी भोसले एंड द जमींदारी ऑफ कोरबाज प्रिंसली स्टेट वॉज स्नेच्ड फ्रॉम हिम. इनसे तो ले ही लिया गया. ठीक है, जमींदारी ओनली, यहाँ पे जो है ना ओनली इंसिडेंट वेयर जमींदारी वॉज स्नेच्ड, आप लिख लीजिएगा जमींदारी. तो पूरे छत्तीसगढ़ में किसी की जमींदारी गई थी भोसले के टाइम पे, तो ओनली ओनली जमींदारी सिस्टम ओनली जमींदारी दैट वॉज स्नेच्ड बाई बिंबाजी भोसले वॉज द कोरबा जमींदारी बिकॉज ही अपोज द रूलर बिंबाजी भोसले. द नेक्स्ट वॉज धमदा. धमदा में क्या हुआ, धमदा के भी रूलर ने अपोज किया. तो वैन ही न्यू, उनको पता चला कि बिंबाजी भोसले इज कमिंग टू धमदा टू फॉर द फाइट, ही एंड हिज वाइफ टुक जल समाधि ऑल्सो कॉल्ड एज मोसोलिम विथ हिज वाइफ. मोसोलिम को ही बोलते हैं जल समाधि. ठीक है, समाधि. तो आप ये लिख सकते हैं कि जल समाधि किसने, धमदा के प्रिंसली स्टेट के रूलर ने ले ली. देन द फाइव फिफ्थ वन वॉज द फ्रेंड ऑफ दैट पर्टिकुलर बिंबाजी भोसले. तो बिंबाजी भोसले सपोर्टेड द किंग ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ कांकेर दैट वॉज धीरज सिंह वैन द बस्तर किंग वॉज गोइंग टू अटैक हिम. ठीक है, तो बिंबाजी एंड ही वॉन्ट विद द हेल्प ऑफ बिंबाजी कांकेर के जो होते. ठीक है, सपोर्टेड बिंबाजी सपोर्टेड धीरज सिंह वैन ही वॉज गोइंग टू फाइट विद बस्तर किंग. ठीक है, पता होना चाहिए आपको. तो यहां तक हम लोगों ने ये टॉपिक भी देख लिया. अब होता क्या, देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ बिंबाजी भोसले, ही डाइड इन 1787 में जब इनकी डेथ होती है, तो मैंने बताया आपको द किंग वॉज 1787 में द किंग वॉज चिमन जी भोसले बना देते हैं किनको, किंग. चिमन जी को बना दिया जाता है किंग. चिमन जी भोसले ही वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ बिंबाजी भोसले एंड ही रिनोवेटेड, आपको पता होना चाहिए, गंडेश्वर महादेव टेम्पल. ठीक है, अब होता क्या, जैसे ही बिंबाजी भोसले खत्म होते हैं तो इनकी तीन वाइफ होती हैं. ठीक है, ये रूल कर इनके बारे में हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम देखते हैं रमाबाई जो थी ये चली जाती हैं फॉरेस्ट में. ठीक है, क्यों, इन सॉरो ऑफ द डेथ ऑफ हिज बिलोव्ड हस्बैंड ही शी वेंट टू द फॉरेस्ट. द सेकेंड वॉज उमाबाई, शी टुक द सती. द सत्ती चौरा ऑफ रतनपुर इज नेम्ड आफ्टर हर. ठीक है, सत्ती चौरा जो था वहीं पे इन्होंने किया था. रतनपुर का सत्ती चौरा, आप कभी रतनपुर विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ एक सत्ती चौरा है, बहुत सेंटर ऑफ द सिटी, वहाँ पे
जो उमाबाई थी इन्होंने सती किया था, ठीक है, सती 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 वॉज द थिंग कि जिसमें द वाइफ बर्नड हर सेल्फ आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिलोव्ड हस्बैंड, ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन वॉज आनंदी, आनंदी आनंदी जी जो थी शी बिकेम द क्वीन फ्रॉम 1787 टू 1801. इस पर्टिकुलर टाइम में आनंदी जो थी, आनंदी बाई ये जो है रूल करती हैं कहाँ पे, रतनपुर से. एंड शी मेड द सत्ती चौरा, जहाँ पे सती हुई थी उमाबाई, मेड सत्ती चौरा. ऑल्सो शी मेड द स्टैचू ऑफ बिंबाजी भोसले, कहाँ पे बनाई थी, द टेम्पल राम टेकरी टेम्पल जो है किसने बनवाया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, बिंबाजी भोसले ने. उसी के सामने में अपोजिट में इन्होंने क्या बनवाया, स्टैचू ऑफ बिंबाजी भोसले, कहाँ पे, राम टेकरी टेम्पल पे, ठीक है, राम टेकरी. और राम टेकरी टेम्पल किसने बनवाया था, बिंबाजी ने, ठीक है. और सो शी बिल्ट द श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन्होंने बनाया था, उसके अंदर, किसके अंदर, रतनपुर फोर्ट के अंदर, रतनपुर फोर्ट के अंदर इन्होंने क्या बनवाया था, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ठीक है. एंड द लास्ट थिंग यू हैव टू नो, क्योंकि अगला हम लोग को टॉपिक सूबेदार सिस्टम पढ़ना है. द फर्स्ट सूबेदार महिपात्रो दिनकर जो थे वो अटैक करते हैं किसको, आनंदीबाई को, एंड फॉट विथ हर, ठीक है. फर्स्ट सूबेदार महिपात्रो दिनकर फॉट आनंदीबाई. सो गाइस, हम लोगों ने आज पूरा बिंबाजी भोसले से रिलेटेड सारे टॉपिक यहाँ पढ़ लिए, उसके साथ साथ हमने पूरा स्टोरी लाइन इनका देख लिया. आज बहुत ही बड़ी क्लास थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी. आपको कहीं क्लासेस अच्छी लग रही हो तो डू लाइक द क्लासेस. आपको कुछ डाउट, कोई भी डाउट लग रहा है, कुछ नए क्लासेस बनाने हैं, तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. शेयर करिए बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, पेपर आने वाला है फेब में, तो आप शेयर करिए इस चीज़ को.